एक शख्स जो लोगों की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहा है उसको इस तरह से मारपीट करके उसको मार देना, इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कोई हो नहीं सकता है। और खासकर ये जो डीएसपी साहब थे, इन्होंने ये सोचा कि ये इनका अपना इलाका है, इसलिए इन्होंने बड़े दिन की वजह से जो इनके पास अपने सिक्योरिटी के लोग थे उनको बोला कि वो चले जाए अपने घरों में शब खाने के लिए। तो इससे ज्यादा भरोसे का खून क्या हो सकता है? मैं ये बताना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है ये पूरे मुल्क में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स है। ये बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं, बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं, पर इस वजह से ये सबर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के साथ डील करते हुए दे आर शोइंग रेस्ट्रेंट। पर जिस वक्त जिस दिन इनके सबर का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। आई मीन आर पुलिस इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री, दे आर शोइंग मैक्सिमम रेस्पेक्ट बिकॉज दिस इज दे आर डीलिंग विद देयर ओन पीपल। पर हाउ लॉन्ग, कब तक ऐसे चलेगा? अभी कुछ दिन पहले SHO उसके सरकार पुलिस वाले, कल ये DSP को, ये तो कोई अपने काम से नहीं गया था, कि वो देयर टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल, अपना काम करने के लिए, अपना फर्ज अंजाम देने के लिए गया था। मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि बहुत ही शर्मनाक वाकया है, जो लोग आपकी हिफाजत करने के लिए आते हैं सब्र तहमुल से काम लेते हैं, अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा ना खास्ता वो पुराना वक्त ना आए कि आप सड़क पे जिससे देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है लोगों से कि अभी भी वक्त है कि हमें संभलना चाहिए, और हमारी जो ये पुलिस फोर्स है, ये हमारी अपनी फोर्स है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनके साथ इस किस्म का सलूक जो है ये बहुत